Hello friends, welcome to Jaslan. So this is our second part of the constitution और आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि दिए गए हैं आर्टिकल्स 14 से लेके 35 तक. तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कैटेगराइज कर देंगे और उनको उन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे. जैसे पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सेविंग्स. तो हम इन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि दिया गया है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की. तो आर्टिकल 14 की बात करें पहले. आर्टिकल 14 इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि कहता है कि स्टेट, जो कि अभी हम आर्टिकल 12 में डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को, माइंड इट, एनी पर्सन, मतलब आर्टिकल 14 जो राइट दिया गया है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, एनी पर्सन के लिए है, किसी भी पर्सन का, किसी भी कंट्री का. तो स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. तो आर्टिकल 14 यूज़ करता है दो फ्रेजेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ सर्वोपरि है, लॉ इज सुप्रीम, जिसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ, जो कि डाइसी ने प्रपाउंड किया था कि ये लॉ जो होता है वो सुप्रीम होता है. इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ सिंगुलर यूज हुआ है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है. तो जितने भी क्लासेस इंडिविजुअल्स हैं, दे आर इक्वल टू द लॉ, वो लॉ के सामने समान है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. जहाँ कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि जो लोग जिनके सरकमस्टांसेस इक्वल हैं उनमें वो लॉ को इक्वली अप्लाई किया जाए, मतलब इक्वल सर्कमस्टांसेस वाले लोगों पे इक्वली वो लॉ अप्लाई किया जाए और जिनके सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है उन पे वो चीज़ अप्लाई ना की जाए. तो ये है इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. ये दोनों सुनने में सेम ही लग रहे हैं बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं. तो पहला डिफ्रेंसिएशन अगर हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन से लिया गया है. वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. डाइसी के अनुसार इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वी ऑल नो मैन कैन नॉट बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हो ही नहीं सकता. ऐसे सर्कमस्टांसेस कब आ सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल ही सर्कमस्टांसेस में स्टैंड करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो जब सब इक्वल ही नहीं है तो आप उनमें इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश करोगे. तो ये इट इज़ अ मोर काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत ही जेनरिक सेंस में इसको यूज़ किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू डाइसी, जिन्होंने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी हुई है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज़ मोर ऑफ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बात करता है कि आप पहले लोगों को सेग्रीगेट करिए, डिस्क्रिमिनेट करिए कि कौन इक्वल है कौन अनइक्वल है, और फिर उनके हिसाब से उस लॉ को अप्लाई करिए या उनके हिसाब से वो रूल बनाइए आप. तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि बात करता है कि इक्वालिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अमंग अनइक्वल्स, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड अनइक्वल्स टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये बात कहता है हमारा ये दोनों फ्रेजेस. इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलेगा, सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा. इवन UNHRD's ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है उसके आर्टिकल 7 भी यही कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश करना चाहिए. तो ये इक्वालिटी एस्टैब्लिश कैसे होगी? तो इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए लेजिस्लेचर को पहले डिसाइड करना होगा कि ये लॉ का पर्पस क्या है, इस लॉ का पर्पस क्या है, और फिर उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि किनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इस लॉ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एंटी स्मगलिंग एक्ट बनाया है, अगर मान लीजिए उस एंटी स्मगलिंग एक्ट को आप नॉन स्मगलर्स पे भी अप्लाई करेंगे तो क्या ये इक्वालिटी होगी? नहीं, ये इक्वालिटी नहीं होगी, ये अपने आप में एक सेल्फ डिफीटिंग एक्ट हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी लॉ बना रहे हैं पहले उसका पर्पस देखिए और फिर क्लासिफाई करिए. तो देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पर्पस एंड क्लासिफिकेशन. तो बात करें क्लासिफिकेशन की, तो आर्टिकल 14 सीधे सीधे बोलता है कि आप क्लासिफाई करिए.
कैसा क्लासिफाई करिए, क्लास लेजिस्लेशन में करिए। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है भैया पॉलिटिक्स का, मन किया पॉलिटिशियंस का कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, इनके लिए मैं अपना एक अलग लॉ बना देता हूँ, तो उनने उस क्लास को एक साथ क्लब किया और उसके लिए एक लॉ बना दिया। दिस इज क्लास लेजिस्लेशन, मतलब जिसके पीछे कोई ग्राउंड ही नहीं है कि हमने उनको क्लासीफाई ही क्यों किया। ये क्लास लेजिस्लेशन को बिल्कुल मना करता है, पर हाँ रीजनेबल लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन को बिल्कुल अलाउ करता है। अब रीजनेबल लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है कि भाई आपका जो क्लासिफिकेशन है वो किसी रीजनेबल डिफरेंस पे बेस्ड होना चाहिए, कि आपने किस बेसिस पे लोगों को ग्रुप किया है, और उस डिफरेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए आपने जो लॉ बनाया है। यही प्रिंसिपल, यही स्टैंडर्ड ले डाउन हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में, जिसमें दो हमारे पास फ्रेजेस आते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रेशनल नेक्सस। अगर आप लॉ बना रहे हैं तो लॉ का पर्पस फाउंड आउट करिए, फिर देखिए कि वो किस पे अप्लाई होगा, किन किस क्लास पे अप्लाई होगा, या किन लोगों को उसके लिए क्लासिफाई करना पड़ेगा, आप उसको क्लासिफाई करिए। और फिर क्लासिफिकेशन के बाद देखिए क्या उस पर्पस का और उस क्लासिफिकेशन का कोई कनेक्शन है या नहीं है। अगर कनेक्शन है तो दैट इज़ योर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और अगर वो नहीं है तो वो एक इनवैलिड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। 1970s तक क्लासिफिकेशन में रीजनेबल वर्ड नहीं जुड़ा होता। 1970s तक जब मगनलाल छगनलाल वर्सेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर बॉम्बे, नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केसेस जब हुए थे तब तक बात बस ये होती थी कि भाई क्लासिफिकेशन होगा, इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन होगा, और उसका कोई ना कोई पर्पस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा। रीजनेबलनेस जो थी वो आई 1970s के बाद इन द केस EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें पहली बार रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस दोनों के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया, और जिसमें जस्टिस भगवती ने कहा था कि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इसको आप किसी एक पर्टिकुलर लिमिट्स में कम है ना केबिन करके या लिमिट करके नहीं रख सकते हैं, इसको आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसमें कोई आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी और आर्बिट्रीनेस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि कोई भी एक्ट अगर आर्बिट्री है तो वो वॉयलेटिव होगा आर्टिकल 14 का। मतलब आफ्टर EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु हमारे पास एक नया वर्ड आया आर्बिट्रीनेस, कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्री है जिसके पीछे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, बस यूं ही मनमाना तरीके से कर दिया गया है, वो वॉयलेटिव हो जाएगा आर्टिकल 14 को। और फिर यही चीज़ फिर से अप्रूव करी गई मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें बोला गया कि भाई आर्टिकल 14 सीधे स्ट्राइक करता है आर्बिट्री स्टेट एक्शंस पे, और वो एंश्योर करता है कि ट्रीटमेंट फेयर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। फिर इसके बाद तो काफ़ी केसेस आए, जैसे रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और फाइनली अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में ये एस्टैब्लिश हो गया विथ मेजॉरिटी कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्ररी है दैट इज़ निगेशन ऑफ इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को ख़त्म करता है। तो भाई यहाँ ये सारे केसेस एक्चुअली नया अप्रोच बताते हैं। पुराना अप्रोच हमारा क्लासिफिकेशन था, नया अप्रोच हमारा रीजनेबलनेस है, कि भाई रीजनेबलनेस इन स्टेट एक्शन जो है वो डिमांड है आर्टिकल 14 की, और क्लासिफिकेशन जो है वो उसको अटेन करने का एक तरीका है। एक और केस है मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सेक्शन 303 इंडियन पिनल कोड को हटाया गया था, जहाँ पे जो भी लाइफ इम्प्रिजमेंट के कैदी होते थे उन अगर वो मर्डर कमिट करते थे तो उनको डेथ पेनल्टी दी जाती थी, तो उसको भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 14 डिक्लेयर किया था। आर्टिकल 14 और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर वेरी रूटेड टू ईच अदर। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कॉमन लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हायर प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स आर्टिकल 21 में इम्बाइब्ड हैं, तो वो वहाँ कहाँ से 21 से 14 में भी आते हैं। इवन बहुत सारी केसेस में जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल, इसमें कोर्ट ने सीधे कहा है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन नेचुरल जस्टिस को नहीं ऑब्जर्व करता है, नहीं मानता है, तो वो स्टेट एक्शन वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 हो जाएगा। फिर अब
एक केस था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर कांग्रेस, जिसमें प्रोविजन था कि भाई आना जो भी पर्सन सर्विस में है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कम्प्लीटली, या तो एक मंथ की आप नोटिस दे दो या तो फिर आप सैलरी ले लो, और उसको बिना किसी रीज़न के वो टर्मिनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि दिस इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस एंड वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर की। आर्टिकल 14 में जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, दैट कैन बी सिंगल पर्सन क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, अगर कोई एक पर्सन एक क्लास बना रहा है तो उसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है और उसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करी जा सकती है। उसी तरह ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी अलाउ करता है आर्टिकल 14। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 14। नाउ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स। 15 आर्टिकल बोलता है, पहला सब क्लॉज ये बोलता है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन्स के बीच में 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो पहला क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल लेट डाउन करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। बट अभी हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि अगर लॉ को इफेक्टिवली अप्लाई करना है तो डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है, डिफ्रेंसिएशन ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, फिर ये आर्टिकल कैसे उसको काउंटर कर रहा है। तो ये है, इसके जस्ट ये है कि कोई भी स्टेट सिर्फ और सिर्फ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इनके साथ अगर कोई और कंसिडरेबल फैक्टर एडअप हो जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो ये आर्टिकल जो है वो सिटीजन्स के लिए है और यहाँ पे 5 ग्राउंड्स जो हैं वो डिफाइन करे गए हैं। सेकंड क्लॉज आर्टिकल 15 का बोलता है कि स्टेट और सिटीजन्स दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे नहीं करेंगे। मतलब आप किसी पब्लिक प्लेस पे भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स क्लासिफाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब आपका आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, जो कि एक तरह से क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट चाहे तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो अब यह इसके खुद ही क्लॉज 1 से काउंटर कर गया। क्लॉज 1 तो बोल रहा था कि आप स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और अब स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने लग गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है अगर वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है तो उनको स्पेशल, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में चैलेंज किया गया था सेक्शन 497 को, जो कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, कि भाई 497 के ऑफेंस में विमेंस को इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हमारे सोसाइटी में विमेंस की पोजिशन ऐसी नहीं है कि उनको एडल्ट्री के ऑफेंस में इंक्लूड किया जाए। दे हैव टू बी इम्यून, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बोला कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन है, तो लेजिस्लेचर चाहे तो वीमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर अ स्पेशल क्लास, उनके लिए अलग प्रोविजंस बना सकता है। क्लास 4 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेटेड बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल क्लास। ये जो क्लॉज है ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था बाय द केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन। इस केस के बाद इस क्लॉज को इंसर्ट किया गया था क्योंकि इस केस में मेडिकल कॉलेजेस में हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, दैट मीन 68% रिजर्वेशन हो गया था, और मतलब 32% मेरिट के लिए बचा हुआ था। इसे कोर्ट ने स्ट्राइक आउट करके फिर इस आपका क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15 में। फिर उसके बाद एक और केस है एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास, इनको रिजर्वेशन दिया गया था। तो इसमें 4 बातें सामने आई थी, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि भाई आप है ना जो बैकवर्ड क्लास है वो सोशली और एजुकेशनली दोनों बेसिस, दोनों फैक्टर्स पे आप उनको जज करेंगे, तब जाके आप उन्हें बैकवर्ड क्लास क्लासीफाई करेंगे। कास्ट, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आप उसे बैकवर्ड क्लास नहीं बोल सकते, अदर फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी वगैरह भी आप ध्यान देंगे। पहली बार इस केस में 50% सीलिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया था, और कोर्ट ने कहा था बैकवर्ड क्लास को मोर बैकवर्ड क्लास में कैटेगराइज करना एक इनवैलिड कॉन्सेप्ट है।
जो भी एम आर बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर में बोला गया वो पूरा का पूरा पलट दिया गया इंदिरा साहने के केस में. इंदिरा साहने के केस में बोला गया कि कास्ट के बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, आप बैकवर्ड क्लास को मोर बैकवर्ड क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं. फिर आपका नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज 5, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट को रिगार्डिंग एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर है, जो कि पी इनामदार केस में था, जिसमें बोला गया कि भाई जो अनएडेड इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही है, तो अब उसमें तो ये है ना कहते हैं वो स्टेट के अंदर आते नहीं हैं, अब उनमें तो ये आर्टिकल 14 और 15 लगना नहीं है उनके ऊपर. तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप स्टेट चाहे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी फॉर दीज क्लासेस स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. उनको छोड़ दिया, अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर SEBC, SC एंड ST क्लास. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15. बात करते हैं आर्टिकल 16 की. तो अगर हम तीनों में रिलेशन देखें तो आर्टिकल 14 जो है एक ब्रॉड इक्वालिटी का स्टेटस एस्टैब्लिश करता है. आर्टिकल 14 बात करता है इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट इक्वालिटी. आर्टिकल 15 बात करता है कुछ स्पेशल क्लासेस को लेके कि उन स्पेशल क्लासेस की इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए और कौन से 5 ग्राउंड्स जिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे. आर्टिकल 16 बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट की. तो आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके बात करता है. इसका क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट के ऑफिस में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी फॉर ऑल द सिटीजन्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट. जब भी किसी स्टेट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, अपॉइंटमेंट की बात आएगी, तो ऑल द सिटीजन्स शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये एक प्रिंसिपल लेट डाउन करता है. फिर क्लॉज 2 आपको 7 ग्राउंड्स बताता है कि जिनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. हमने इससे पहले वाले आर्टिकल में 5 ग्राउंड्स पढ़े थे. कौन कौन से पढ़े थे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. यहाँ पे 2 और है ना कहते हैं ग्राउंड्स जुड़ गए हैं, डिसेंट एंड रेसिडेंस. तो इन 7 ग्राउंड्स पे कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट. क्लॉज 3 बात करता है कि क्या रेसिडेंस के बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है. तो ऐसे जो भी प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी है ना कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ के रेसिडेंशियल पर्सनस को ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस रिजर्वेशन दिया जा सकता है ताकि उनकी इंक्रीज ग्रोथ हो सके और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके फॉर देयर डेवलपमेंट. क्लॉज 4 बात करता है कि स्टेट जो है वो चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व करके रख सकता है. तो अब बात आती है कि इनके लिए कितनी पोस्टें रिजर्व होंगी, क्या कितना परसेंट है ना कहते हैं रिजर्वेशन इनका रहेगा. तो यहाँ पे एक केस आया था बालाजी केस में डिसाइड हुआ कि बैकवर्ड क्लासेस वो क्लासेस होंगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, दूसरा जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना हो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है. इसके लिए 3 केसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लॉज के लिए, बालाजी केस, देवदासन केस, इंदिरा साहने या मंडल केस. तो बालाजी केस में तो बैकवर्ड क्लासेस के 2 कंडीशंस बता दी गई थी. देवदासन केस में जो था वो डिस्क्राइब किया गया था उसमें 50% सीलिंग लिमिट के, भाई है ना जो भी आप रिजर्वेशन अप्लाई करेंगे उसमें 50% सीलिंग लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में आपको बैकवर्ड क्लासेस SC और ST तीनों ही इंक्लूडेड उसके अंदर आते हैं. फिर इंदिरा साहने केस हम सब जानते हैं, मंडल केस, जिसमें बोला गया था 27% बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई थी, पर उसमें यह कहा गया था कि प्रमोशंस में आप कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे और 50% सीलिंग को एक्सीड नहीं करेंगे. बट जब लेजिस्लेचर को लगा नहीं गलती हो गई है, कोर्ट को लगा गलती हो गई है, तो 77 और 81 अमेंडमेंट्स के थ्रू 4A और 4B इंसर्ट किए गए. 4A अलाउ कर देता है स्टेट को कि इन द प्रमोशंस ऑल्सो रिजर्वेशंस दिए जा सकते हैं, और 4B जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड रूल की बात करता है जो कि देवदासन केस में आया था. कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल की सीलिंग 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर अब वो 50% वाली सीलिंग जो है वो हटा दी गई है 4B में, बैकलॉग वैकेंसीज या कैरी फॉरवर्ड रूल दिया गया है. क्लॉज 5 जो है आर्टिकल 16 का वो काफ़ी सिंपल है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है और उस ऑफिस में कोई किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए तो वहाँ पर इस तरह का रिजर्वेशन दिया जा सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 17 एंड 18.
आर्टिकल 17 और 18 काफ़ी सिंपल है. आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की. तो अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस को एज एन ऑफेंस पनिशेबल है हमारे लॉ में और उसको अबॉलिश किया गया है. आर्टिकल 18 जो है वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की. तो कोई भी टाइटल जो एकेडमिक हो या मिलिट्री टाइटल हो उसको छोड़ के कोई भी टाइटल अगर ना कहते हैं स्टेट कन्फर किसी को नहीं करेगा. कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल रिसीव नहीं करेगा. इवन जो पर्सन इंडिया में रह रहा है वो फॉरेनर है और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना इंडिया में होल्ड करता है तो वो स्टेट की परमिशन के बिना मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना ऐसा कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ये बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की. सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट राइट टू इक्वालिटी. ये वीडियो आपको कैसा लगा डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कीप वॉचिंग.